पीके फिल्म तो आपने जरूर देखी होगी। पीके फिल्म में एक बौद्ध धर्म को छोड़कर सभी धर्मों के पाखंड पर हमला किया गया है। सोचने वाली बात है, दुनिया में जनसंख्या के मामले में दूसरे नंबर पर होने वाला यह बौद्ध धर्म इस फिल्म से कैसे वंचित रह गया। तो इसका जवाब सीधा है, बौद्ध धर्म में दिखाने जैसा कोई भी पाखंडवाद, आर्थिक लूट, अंधविश्वास और पाखंडवाद नहीं है, मतलब कुछ भी झूठ नहीं है। आपको बता दें कि पीके फिल्म में एक सीन तैयार किया गया था, लेकिन बाद में सभी धर्म वालों ने उस पर आवाज उठाना शुरू कर दिया था। इस धर्म को ही अच्छा क्यों बताया गया, इस मुद्दे पर बहुत ही तनाव निर्माण हो रहा था, इसलिए उस सीन को सेंसर बोर्ड ने निकाल दिया, नहीं तो वह सीन बौद्ध धर्म का प्रचार व प्रसार करने में कारगर होता। पीके बस में एक बौद्ध भंते के पास बैठ जाता है, सिर्फ उतना ही सीन दिखाया गया है। वह अलग किया गया सीन इस प्रकार है, पीके बौद्ध भंते के नजदीक बैठने के बाद मन में विचार करता है, इस असुरा कौन है और इसने ऐसे कपड़े क्यों पहने हैं। ऐसा सोचकर पीके भंते को पूछता है कि क्या तुम भगवान को जानते हो, क्या तुम्हारा भी भगवान इनसे अलग है। उस पर भंते कहते हैं कि बुद्ध ने किसी भगवान पे विश्वास नहीं किया, ना ही वह खुद भगवान थे, ऐसा बुद्ध ने कहा है। बेटा, अलग अलग धर्मों के भगवान होते हैं जो कहते हैं मुझ पर विश्वास करो मैं मोक्ष दिलाऊंगा, मगर बुद्ध कहते हैं मैं ईश्वर और भगवान नहीं हूँ, मैं इंसान हूँ, मोक्षदाता नहीं मार्गदाता हूँ। फिर पीके अपना रिमोट गुम हो गया, वह कैसे मिलेगा, वह पूछता है और कहता है कि मुझे मोक्ष नहीं, मुझे रिमोट चाहिए। उस पर भंते कहते हैं दिल से कोशिश करो, ढूंढो, यह मानो मोह में फंसा हुआ है, पैसे के लिए कुछ भी करता है, सत्य क्षमा शांति इनकी कभी हार नहीं होती, मंजिल की तरफ बढ़ो जरूर मिलेगा। उस पर पीके का समाधान नहीं होता, वह मन में सोचता है कि इतने बाकी के लोग कहते हैं कि भगवान ही वह रिमोट वापस करेगा और यह कहता है कि उसे तुझे ही ढूंढना पड़ेगा, लगता है कि ये पागल है। ऐसा कहकर पीके बस से उतर जाता है और फिल्म के आखिरी में जब पीके सरफराज को सही साबित कर उससे मिलता है, तब पीके कहता है मुझे एक आदमी सही बोला था, वो था बुद्ध का आदमी जिसने कहा था तू खोज, तुझे खोजने से ही तेरा रिमोट मिलेगा, भगवान के भरोसे मत बैठ। जरा सोचिए, अगर ये सीन अलग नहीं किया गया होता तो अभी